यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस और यहां पर मजे करेंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आरिश खान की नई और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड गाइस आप सभी लोगों को अगर आप हमारे कुछ एपिसोड्स वगैरह यहां पर देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने एक वैगनार परचेज की थी जो कि ग्रीन कलर की थी। अभी वो एक मेरा फ्रेंड है जो कि इंडिया का ही रहने वाला है, लॉस सैंटोस में यहां पर रहता है। तो भाई लॉस सैंटोस में रहते रहते उसे इंडिया की याद आ रही थी दोस्तों, तो वैगनार चलाने चला गया। ठीक है, मेरे पास इंडिया से इंपोर्ट की हुई, यहां पर रॉयल इनफील्ड भी है। तो आज गाइस मैंने फैसला किया है, फिलहाल अभी मेरे पास कुछ पैसों का दोस्तों जुगाड़ तो हो गया है और रॉयल इनफील्ड मैंने जो है गन मेटल ग्रे कलर में जो है यहां पर परचेज की थी। बट आज मैं ना उसको थोड़ी सी मॉडिफाइड कराने वाला हूं। बहुत लोग इंडिया में चला रहे रेड कलर की बुलेट जो चला रहे हैं, तो मुझे वो वाला कलर करवाने का उस पर मन कर रहा है अपनी रेड वाला बुलेट अपनी पे। ठीक है ना, तो मैंने गन मेटल ग्रे परचेज की थी और मैंने पीछे की सीट भी लगवा रखी, तो मैं पीछे की सीट भी आज मुझे लगवानी है और इसको कलर भी करवाना है। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर और इसमें अलॉय व्हील्स भी डलवाने हैं दोस्तों। चलो, और मैं चारों इंडिकेटर हैजर्ड चलाना चाहता हूँ क्योंकि हैजर्ड चलाने के बाद दोस्तों गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हैजर्ड हमारे चल चुके हैं दोस्तों, सो लेट्स गो गाइज। हमारे हैजर्ड बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और बुलेट भी अपनी लाजवाब रॉयल एनफील्ड दोस्तों यहाँ पर लग रही है। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है ना, अभी मैं साइलेंसर तो दोस्तों बैन है यहाँ पर लॉस सैंटोस में वाला साइलेंसर लगाना, तो साइलेंसर तो मैं चेंज नहीं करवाने वाला। ठीक है ना दोस्तों, ये अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया फ्यूल गेज बता रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो चलो अपनी बाइक को हम आराम आराम से लेकर चलते हैं। और हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर लॉस सैंटोस कस्टम्स जाना पड़ेगा, फिर इस बाइक पे मैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने जाऊँगा दोस्तों गांव की तरफ। और देखूँगा बाइक कितनी ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड अपना करती है। इसमें आज अलॉय व्हील्स भी डलवाने, स्पोक व्हील ही डलवा रखे हैं यार मैंने, अलॉय व्हील इसके अंदर डलवाए नहीं, तो होता है ना कुछ कुछ कभी कभी। तो चलो अपना आराम आराम से लेकर चलते हैं बाइक को, बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रही है, बहुत भयंकर लग रही है दोस्तों। चलो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों यार बाइक को चलाने में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो इधर से मोड़ लो। खैर यार इसका इंजन ना ब्लैक होना चाहिए था, यहाँ पर क्रोम वाली फिनिश ना यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ख़राब होती जा रही है वो, तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा वो कराना चाहता था। बट चलो कोई बात नहीं यार, ये भी चलेगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल तो मुझे इसको ना कलर तो रेड वाला जो रेड टंकी चल रही है ना आजकल बुलेट की वो करवानी है। खैर हमारी बुलेट पटाखे तो मारती है यहाँ पर, ओह माय गॉड बढ़िया। चलो तो फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं मोटरसाइकिल को अपनी यहाँ पर लेकर, और अब यहाँ पर बुलेट यहीं पर जो हम कस्टमाइज कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आर्मर सबसे पहले मैं $5,000 का आर्मर लग गया इसके ऊपर। ब्रेक्स इंजन अपग्रेड करवाया है, ये वाला हॉर्न काफ़ी अच्छा है भाई ट्रक वाला। एग्जॉस्ट लाइट प्लेट जो है ब्लैक कलर की नहीं वाइट कलर लगवाता हूँ ना प्लेट। ठीक है ना, और इस पर लिवरी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग दोस्तों हैं। अब एक ये जो आज बिल्कुल अब आई है रॉयल इनफील्ड, इस पर रेड कलर का रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ रहा है। ये नहीं, ये वाली बहुत ही ज़्यादा चल रही है रेड वाली, मुझे रेड ही करवानी थी बहुत दिनों से, मैं सोचा था रेड वाली। और ये वाइट है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। ठीक है, तो रेड कलर मुझे यहाँ पर करवाना था क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम चल रहा है। तो चलिए हम ये वाली डिलीवरी करवा देते हैं। ट्रांसमिशन बढ़िया, टर्बो ट्यूनिंग करवा दी, व्हील चेंज करवाते हैं, फ्रंट व्हील चेंज करवाएंगे सबसे पहले। ओ माय गॉड रॉयल एनफील्ड का फ्रंट व्हील क्या लग रहा है दोस्तों। अलॉय व्हील्स एकदम गजब वाले डलवाने मुझे इसके अंदर। ओके, ये वाला व्हील काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, एकदम एस वाला ना। ठीक है, और रियर व्हील भी मैं यही वाला करवाऊँगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओ माय गॉड लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, क्या लग रही है अब यहाँ पर अलॉय व्हील चेंज करवाने के बाद हमारी रॉयल एनफील्ड। और इसके बाद टायर इनका जो मैं कलर है ना रेड रखूँ क्या, रेड ही अच्छा लगेगा दोस्तों बेसिकली मेरे ख्याल से, कैंडी रेड नहीं, या वाइट भी काफ़ी गजब लगेगा ये, पर रेड रेड ही है दोस्तों। ठीक है ना, टायर डिज़ाइंस ओके, वाइट ये डिज़ाइंस काफ़ी अच्छा लगेगा। बुलेट प्रूफ टायर स्मोक, रेड टायर स्मोक हमारी बुलेट जो यहाँ पर करने वाली है। ठीक है ना दोस्तों,
तो चलो अब मैं गाइस मुझे पीछे की सीट भी यहाँ पर लगवानी है और सब कुछ ये मॉडिफिकेशन करवानी, तो चलिए सबसे पहले हम ये सब कुछ करवा लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक यहाँ पर आपको कैसा देखने के लिए दोस्तों जब मिल जाता है। ओह माय गॉड दोस्तों यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की हमारी पिछली सीट भी लग चुकी है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही है। अब यहाँ पर जिमी बहुत ही ज्यादा वो करता है ना इंडिया की गाड़ियों को लेकर, एक बार फोन करके देखता हूँ अगर जिमी यहाँ पर थोड़ा सा फ्री होगा तो देखते हैं आज वो आ सकता है हमसे मिलने के लिए। मैं फोन तो दोस्तों अभी फिलहाल उसको कर रहा हूँ। JDS man. Okay. उठा लिया इसने फोन. Frankly, I thought we should do something, dog. Someone called the other day and I thought it was you, but it was just this robocall thing with a hidden number. Anyway, cool. Yeah. All right, I'll be there soon. Okay. अभी वो आ रहा है ठीक है ना, तो चलो चलते हैं। गाड़ी आप देख लो अलॉय व्हील पिछली सीट मैंने इसीलिए लगवाई ताकि मैं उसको बिठा सकूं। यहाँ पर हैजर्ड सिस्टम तो पहले से ही ऑन है बाइक के अंदर। और ओ भाई साहब अगर मैं इसके अंदर लगवाना चाहता मैं दूसरी वाली भी वो लगवा सकता था, बट दोस्तों वो ज़्यादा ना यहाँ पर वो ना होता ठीक है ना दोस्तों। अभी ये रेड वाली बुलेट काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलो अभी हमें यहाँ पर जिमी के पास इधर से जाना है तो मुझे बैक मोड़नी पड़ेगी। भगाते हैं देखते हैं टॉप स्पीड क्या रीच कर पाती है। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड 100 पे गई, ओ 120 130 पाँचवा गियर डालने वाला हूँ मैं। ओ माय गॉड बढ़िया। यहाँ पर मैं मोड़ के ऊपर भी बहुत कम स्पीड यहाँ पर कम करूँगा। दोबारा मैंने रेस थ्रॉटल दिया और दोबारा तीसरे थ्रॉटल में गाय मैं बाइक को तो खींच पा रहा हूँ। पीछे के 47 की बैजिंग आप सब लोग देख पा रहे हैं ठीक है ना। अभी जस्ट 150 इसकी टॉप स्पीड हो सकती है आई थिंक सो ठीक है। हाँ 150 इसकी टॉप स्पीड हो सकती है आई थिंक सो, एग्जैक्टली नहीं पता है ठीक है ना। हे जेडी जिम ब्रदर, ओह इट्स ऑन होमी, आ जा बैठ रॉयल इनफील्ड के ऊपर छोटे। क्या मजा दे रही है रे, कह रहा है मस्त बाइक लग रही है रे, मस्त बाइक लग रही है। चलो तो गाइज अभी हम जो है जिमी और मैं जो है यहाँ वाले बार में जाएंगे और वहाँ पर मजे करेंगे। ओह माय गॉड भाई साहब कैसी बाइक चल रही है यार, एकदम मस्त चल रही है। ओ भाई साहब ये बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों, मैं इसको अंदर को ले लेता हूँ। ओ भाई साहब इसके यहाँ पर ओ माय गॉड इसके देख रहे हो, अरे शिट शिट रॉयल एनफील्ड का एक्सीडेंट हो गया। अरे होता है हो जाता है। आ जाए तो लोहा है, इसको लोहे को कुछ नहीं हुआ होगा, बैठ तू। ये लोहा है, लोहा है। Black folks don't always have to be angry. लोहे का मुझे लग रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टूट गया। And now you're like wanting my dad to steal stuff with you. बढ़िया। That kind of suggests you're not angry. लोहे का दोस्तों कुछ नहीं हुआ। पहले ऐसा लगता है कि भाई लोहे को कभी कुछ होना जाए, पर लोहे को यहाँ पर होने क्या वाला है? Nothing. काफी अच्छी लग रही है वैसे तो। I wish I was good at something. Shit, you wouldn't be good at being black. बाइक काफ़ी अच्छी right है और मैंने ट्रक वाले इंपॉर्टेंट हॉर्न लगवा दी इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर इसकी स्पीड दिखाते हुए 100 के ऊपर चल रही है। खैर ये 500 वाला मॉडल है, ये 350 cc वाली नहीं है, 500 cc वाली बुलेट है। कभी आप सभी लोग सोचो 350 वाली है, जी नहीं 500 cc वाली बुलेट है दोस्तों मेरे पास तो। और मैं कैसी लग रही है आपको, मैंने फुल्ली मॉडिफाइड करा रखी है, एक बार प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आपका क्या कहना है एक बार आप भी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। ऑफ रोडिंग करते हैं भाई, काफ़ी मज़ेदार ऑफ रोडिंग हो रही है इससे। सामने ही मेरे एक फ्रेंड का यहाँ पर जोन है तो चलो चलते हैं यहाँ पर पार्टी करने। बाइक यहीं पर खड़ी करते हैं, आ जा चल, आ जा जिमी, आ जा अंदर मज़े करेंगे यार मेरे यार। तो अंदर से पूरी मस्त दारू वारू पी कर ये जो लोग निकलने वाले दोस्तों, शाम यहाँ पर हो चुकी है। अब जिमी को मुझे घर छोड़ना, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन से यहाँ पर चला भी जा रहा है, इतनी दारू पी ली इन लोगों ने। खैर मेरी रॉयल इनफील्ड गाइस यहीं पर खड़ी है। ओ माय गॉड मुझे ऐसा लगता है मुझसे जो है बाइक चलने नहीं वाली है। ओ भाई ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ओ भाई इनसे चला नहीं जा रहा है आज, गाड़ी दे रहा भाई चलाएगा, बैठ बैठ बैठ। We don't have to have sex in the same room. अबे बैठ बैठ बैठ, इतने भाई तेरा गाड़ी चलाएगा। Sure, man. अबे बैठ 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 बैठ, आराम ही बैठ जा तू। अरे यार मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों मेरी बाइक जो इधर उधर लुढ़क रही है, बाबा आराम से चलाओ। अरे अरे मुझे दोस्तों यहाँ पर
ओ भाई, नशा कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। इतना तो नशीला वाला टकीला भी नहीं पिया इन्होंने, पर इतना नशा हो क्यों रहा है भाई, आई डोंट नो व्हाई। ओह, फिलहाल फ्रैंकलिन को सब कुछ कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ओ भाई साहब, ओ भैया, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अभी तो लोकेशन पर। और फाइनली इनका जो भाई नशा है थोड़ी देर बाहर निकलने के बाद उतर जाता है दोस्तों। एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पर चलता रहेगा। खैर जिमी को हमारी रॉयल इनफील्ड दोस्तों बहुत ही पसंद है, जिमी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा है हमारी गाड़ी की। खैर आनी भी चाहिए यार, क्योंकि गाड़ी है ही दोस्तों तारीफ़ के लायक, इंडिया से इम्पोर्ट करवाई है। और इसका साइलेंसर जैसी आवाज़ यहाँ पर पूरे लॉस एंटोस में किसी की भी नहीं है, किसी भी बाइक की इसके साइलेंसर जैसी आवाज़ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। चलो भाई जिमी को हम छोड़ते हैं इसके लोकेशन पर और फिर चलते हैं हम घर। चल भैया जिमी, मिलते हैं फिर, बड़ी बड़ी से मिलेंगे दोस्तों बाद में। चलो बाद में मिलते हैं। तो चलो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी जो रॉयल इनफील्ड है दोस्तों आपको एक कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताना। अगर वाकई में आपको पसंद आएगी तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली दोस्तों शेयर करना दोस्तों के साथ। अगर आप सिर्फ चाहते हो मैं लेह लद्दाख जैसे पहाड़ पर इसको चढ़ाऊँ तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा भाई वही करने वाला है। ठीक है, तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।